हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर मयंक सर इंग्लिश क्लासेस चैनल पर। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की या इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ इंग्लिश को सिखाने के लिए, और साथ ही साथ हम करियर काउंसलिंग भी करते हैं। अगर आपको, आपके दोस्त को, आपके भाई बहन बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, किसी को भी करियर में क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे काउंसलिंग अवेलेबल है। और साथ ही साथ हमारी ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेटर। यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट का मतलब होता है आप एक कंट्री से क्या दूसरे कंट्री में गए हुए पढ़ने के लिए। लाइक आप इंडिया में हैं, इंडिया में आपका जन्म हुआ बट आप स्टडी करने के लिए गए हैं कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, कहीं पे भी, तो आप क्या हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है। यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड हैव बोरोड अ बुक, आपने क्या है एक बुक वहाँ से बोरो की है, उधार ली है फ्रॉम द लोकल पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ की लोकल पब्लिक लाइब्रेरी से। यू लेफ्ट अ बुक ऑन अ बस, अब आपकी क्या बस क्या है, बस पे क्या बुक रह गई है। एंड व्हेन यू कॉन्टेक्टेड द बस कंपनी, जब ने बस कंपनी को कॉन्टेक्ट किया दे कुड नॉट फाइंड इट, तो उनको मिली नहीं है ना। और राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन, आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है किसको, लाइब्रेरियन को, एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन एंड आस्किंग व्हाट यू शुड डू, आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है एंड आस्किंग व्हाट शुड यू शुड डू। तो पहली बात तो लाइब्रेरियन को लिखना है, एक्सप्लेन करना है क्या क्या हुआ, और तीसरी बात है आपको क्या 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 आप कर सकते हो, आपको ये पूछना है। आपके पास 150 मिनट वर्ड्स में लिखना है, 20 मिनट्स हैं। ओके लेट्स स्टार्ट, रिस्पेक्टेड सर आप ऊपर लगा देंगे कॉमा, लास्ट वीक आई बोरोड एनी एन इंग्लिश ग्रामर बुक, देखो यहाँ पे जी हम बड़ा कर देंगे, आई बोरोड एन इंग्लिश ग्रामर बुक, इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज। देखो बुक का नाम आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, तो देखो जब कोई स्पेसिफिक नाम लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे, ओके इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज फ्रॉम योर लाइब्रेरी टू हेल्प मी इम्प्रूव माई नॉलेज, ताकि अब बुक किस लिए खरीदी थी लाइब्रेरी से, ताकि हेल्प मी सके, टू हेल्प मी इम्प्रूव माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इट वॉज एन एक्सट्रीमली यूजफुल, सो व्हेन आई वेंट टू विजिट अ फ्रेंड आई टुक द बुक विद मी टू शो हर How good it was. ये इतनी अच्छी किताब थी कि इसीलिए मैंने क्या किया, जब मैंने अपने एक फ्रेंड को विजिट करना था मैं बुक को अपने साथ ले गया ताकि मैं उसको दिखा सकूँ कितनी अच्छी किताब है। Unfortunately, दुर्भाग्यवश कॉमा लगेगा यहाँ पे, when I was on the bus going home, जब मैं जा रहा था बस पे घर, I fell asleep, मेरे को नींद आ गई एंड मिस्ड माई बस स्टॉप, और मेरा, अब देखो आप एक्सप्लेन कर रहे हो सिचुएशन को कि हुआ क्या था, और मैंने अपना बस स्टॉप मिस कर दिया। आई वॉक अप एट द नेक्स्ट स्टॉप, और मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टॉप पे उतरा एंड रश्ड फॉरवर्ड टू द ड्राइवर टू आस्क हिम टू स्टॉप बट फॉरगॉट टू ब्रिंग द बुक, और मैंने क्या किया, ड्राइवर की तरफ दौड़ा, रश्ड फॉरवर्ड टू द ड्राइवर टू आस्क हिम टू स्टॉप, क्या उसमें कह सकूँ कि वो रोके, बट फॉरगॉट टू ब्रिंग द बुक, और मैं भूल गया बुक को लेकर आना। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम में कॉमा आएगा, द बुक वॉज लेफ्ट ऑन द बस, बुक कहाँ पर रहेगी, बस पर रहेगी। व्हेन आई रैंग द बस कंपनी नेक्स्ट डे, जब मैंने नेक्स्ट डे क्या बस कंपनी को फ़ोन किया, तो सेकेंड फोन में क्योंकि मात्रा पेंट कर रहे थे, कुड नॉट फाइंड इट, उनको मिली नहीं, एंड सजेस्टेड, सलाह दी दैट समबडी मस्ट हैव पिक्ड इट अप, किसी ने ज़रूर उठा ली होगी। कुड यू प्लीज़ लेट मी नो, क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं, व्हाट आई हैव टू डू नाउ, कि मुझे अब क्या करना होगा। एज आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू डू, आई डोंट हैव वेरी मच मनी, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई विल पे फॉर अ न्यू कॉपी ऑफ द बुक, लेकिन हाँ ज़रूर कि मैं नई कॉपी के लिए मैं पेमेंट करूँगा इफ़ इट इज़ नेसेसरी। योर्स फेथफुली, आपका नाम आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा लेटर था, तो यहाँ से आप देखो, ये ऐसा नहीं है कि आपको क्रैमिंग करनी है लेटर से, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अब दोबारा से हम इस लेटर को रीड कर लेते हैं। लास्ट वीक आई बोरोड एन इंग्लिश ग्रामर बुक, इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर लाइब्रेरी टू हेल्प मी इम्प्रूव माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इट वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल, सो व्हेन आई वेंट टू विजिट अ फ्रेंड आई टुक द बुक विद मी टू शो हर हाउ गुड इट वॉज। Unfortunately, when I was on the bus going home, I fell asleep and missed my bus stop. I woke up at the next stop and rushed forward to the driver
to ask him to stop and but forgot to bring the book. As a result, the book was left on the bus. When I rang the bus company the next day, they could not find it and suggested that somebody must have picked it up. किसी ने उठा ली होगी. Could you please let me know? क्या आप मुझे बता सकते हैं कृपया करके? What I have to do now? मुझे क्या करना होगा? As I am an international student, क्योंकि मैं international student हूँ, I don't have much, very much money, ज़्यादा पैसा नहीं है. But of course, I'll pay for a new copy of the book. लेकिन जो new copy के लिए मैं pay करूँगा, if this is necessary, अगर इसकी आवश्यकता है. Yours faithfully, comma, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा. सो इस तरह से आप लेटर सीख सकते हैं, राइटिंग सीख सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना है. विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.